मुंबई के KM हॉस्पिटल के सामने स्थित साई कृपा फ्रूट एंड जूस सेंटर पर कार्यरत CA के छात्र संदीप सुरेश मणि शुक्ला को 24 नवंबर शाम 2018 को शाम करीब 5 बजे मुंबई के एक पुलिस सब इंस्पेक्टर अभिषेक अंगद नामपाली ने अपनी वर्दी का रौब दिखाकर सरेआम थप्पड़ मारा, जो नजदीक में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। उक्त विषय को लेकर पीड़ित संदीप शुक्ला के परिवार वालों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन भोईवाड़ा में शिकायत करने पहुंचे तो भोईवाड़ा पुलिस ने पीड़ित परिवार के कई सदस्यों पर ही मामला दर्ज कर लिया, जिसे कोर्ट ने 3 दिसंबर को जमानत पर रिहा कर दिया है। और थप्पड़ मारने वाले पुलिस सब इंस्पेक्टर अभिषेक अंगद नामपल्ली, जो बगल के पुलिस स्टेशन किडवई R1 के पुलिस स्टेशन में तैनात है, उसके ऊपर सिर्फ NC दर्ज करके छोड़ दिया, जिसके चलते पीड़ित परिवार ने मुंबई कमिश्नर के साथ साथ मंत्रालय तक न्याय की गुहार लगाई है। क्या है पूरी कहानी, आइए सुनते हैं पीड़ित परिवार वालों की जुबानी। सुरेश मणि शुक्ला, मैं 24 तारीख को शाम 5 बजे मेरे दादाजी का एक फ्रूट का स्टॉल है, लाइसेंस स्टॉल, उसी को 80 साल की उम्र होने के कारण उनको मैं और मेरे पिताजी सब मदद करते हैं। 24 तारीख को शाम 5:30 के दरमियान मैं वहाँ पर शेंगदाना खा रहा था, बगल वाले स्टॉल पे भी एक लड़का था, वो भी खाना था, और शेंगदाने के ऊपर मैंने उससे बात की कि भाई शेंगदाना ठंडा है लेकिन कड़क है, मैंने यही उससे कहा था। अब पीछे से एक आदमी ने आके मुझे एक थप्पड़ मारा, जैसे मैंने पूछा क्यों मारा तो उसने वापस मेरे ऊपर थप्पड़ मारा, फिर मैंने उसको विरोध किया, विरोध करने के बाद पूछा क्यों भाई क्यों मार रहे हो, तो उसने मेरे ऊपर उल्टा आरोप लगाने लगा कि तुम टपोरी लैंग्वेज यूज़ करते हो, तुम लोगों को समझ में नहीं आता है, ऐसे ही यूज़ करते हो, मतलब उल्टा उल्टा आरोप लगाने। मैंने कहा भाई मैं आपसे आपके बारे में मैंने बात ही नहीं की, मैंने आपको देखा था, मैं आपके ऊपर कमेंट क्यों मारूंगा, हम शेंगदाना खा रहे हैं, आप चाहिए तो उनसे पूछ लीजिए। तो उसने भी नहीं, नहीं हमको सब समझता है ऐसा, मतलब अपने अपने आरोप को सिद्ध करने लगा कि मैं सही हूँ, जबकि मैं उसका विरोध करते रहा। उसके बाद कहने लगा चल एक काम कर चलो पुलिस स्टेशन। मैंने कहा भाई पुलिस स्टेशन तो मैं खुद चलना चाहता हूँ, बताया रुक मैं पुलिस बुला, मैं बोला तुम नहीं मैं खुद बुलाता हूँ पुलिस। मैंने कॉल किया 100 पे और कुछ कॉल कनेक्ट भी हुआ, बात नहीं हो पाई मेरी, 9 सेकंड का कॉल कनेक्ट हुआ। उतने में मेरे पिताजी आए और पिताजी ने फिर उनसे पूछा भाई क्यों मारा, तो उन्होंने पिताजी को भी उल्टा सीधा बोलने लगे कि मैं पुलिस वाला हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो पिताजी ने बोला चल पुलिस स्टेशन, बोलता चलो पुलिस स्टेशन अभी तुम्हारा मैं देखो दुकान को पूरा वाट लगा दूंगा, मतलब धमकियों पे धमकियां देने लगा, मुझे कहीं जाने नहीं दे रहा था। और जब उसको हम पुलिस स्टेशन के लिए टैक्सी में ले जाने लगे तो भागने लगा, तो हम उसको पकड़ के टैक्सी में बिठाया और 20 मीटर की दूरी भी नहीं गए थे तो वहाँ बीट मार्शल एक हमें दिखाई दिया, तो हमने गाड़ी रोकी और बीट मार्शल के हवाले उसको किया और बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो बीट मार्शल ने कहा मेरी गाड़ी के पीछे बैठा दो और मैं उसको ले चलूँ, मैं बोला नहीं नहीं आप इसे हम साथ में ले जाएंगे वहाँ पर, तो उसने कहा नहीं नहीं मैं ले चलता हूँ आप पीछे से आइए। तो हम जब वहाँ पर गए तो वहाँ देखने के बाद जाने के बाद हमें पता चला कि वो ऑलरेडी वहाँ पर पहले से ही ड्यूटी ऑफिसर के साथ बैठा हुआ था और उनसे कुछ बात कर रहा था और हमें एक कोने में खड़ा कर दिया गया। करीब 15-20 मिनट के बाद फिर हमें बुलाया गया और हमें कहा गया बोलिए, और जब हमें बुलाया गया तो उसने बीट ड्यूटी ऑफिसर से उसने कहा कि इनका इनके खिलाफ FIR दर्ज करो और मेरे खिलाफ NC दर्ज करो। और हमसे पूछा गया कि क्या हुआ था, मैंने बताया कि मैं शेंगदाना खा रहा था और शेंगदाने के ऊपर मैंने अपने मित्र से कहा था कि शेंगदाना ठंडा है लेकिन कड़क है, तो मुझे उल्टा उलझ जुलझ बातें करने लगा। तो फिर मैंने कहा मैंने जो कहा है मैं सही कह रहा हूँ, तो उसने कहा एक काम करो दोनों जन पे मुझे और मेरे पिताजी को एक अंदर की तरफ, अंदर एक कमरा था वहाँ पर बैठा दिया गया, करीब 2-3 घंटे हम वहाँ बैठे थे और जिसने मुझे थप्पड़ मारा था वो वहाँ पर खुलेआम घूम रहा था, ऐसे लग रहा था कि हम आरोपी हैं और वो जो है कंप्लेंट करने के लिए वो है, जबकि कंप्लेंट करने के लिए हम उसे ले जा रहे थे पुलिस स्टेशन। वहाँ जाने के बाद बर्ताव हमारे साथ उल्टा होगा और बाद में हमें पता चला कि हमारे खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और उसके खिलाफ NC दर्ज हुई है। जब उस दिन मैं मौके पर पहुंचा तो मैं देखा कि काफ़ी लोग भीड़ लगी हुई है, तो मैंने लड़के को देखा तो संबंधित जो एक्यूज था वो लड़कियों को गाली दे रहा था, तो मैंने लड़के को पूछा भाई क्यों क्या बात है, तो बोला कि इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और गाली की तरह। मैंने उस व्यक्ति से मैंने पूछा भाई आप क्यों मारे इस लड़के को, क्या गलती है, बोले टपोरी लैंग्वेज यूज कर रहा है, बोला आपको मारने का अधिकार नहीं, आप पुलिस स्टेशन ले जा सकते थे, तो आपने मारा क्यों, तो बोले मैं पुलिस वाला हूँ और मैं वाट लगा दूँ, मुझे भी गाली देने लगा, बोले आपका लाइसेंस कैंसिल करा दूंगा, यानी जितना हो सके उतना मुझे गाली भी दी, मुझे भी गाली दी। मैंने बोला नहीं अभी आप पुलिस वाला बताया तो आप अपना आइडेंटिटी कार्ड बताइए ना आप पुलिस वाले, तो बोले कि ठीक है मेरा आइडेंटिटी कार्ड ले लो।
तो उन्होंने दिखाया, मैं बोला ठीक है आप आईडेंटी कार्ड आप ले लो, लेकिन आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। जब पुलिस स्टेशन का मैंने नाम लिया तो बहाना बनाने लगा, जाने के तैयार है, तो मुझे लगा कि सही नकली पुलिस कहीं ना हो, इसलिए बोले मैं जबरदस्ती, मैं बोला कि नहीं आपको चलना ही पड़ेगा, अब तो आपको पुलिस स्टेशन चलना ही पड़ेगा क्योंकि आपने गुनाह किया है और आपको पुलिस स्टेशन चल के आपके खिलाफ मैं FIR दूंगा। तो जब ये पुलिस स्टेशन चलने के नाम पे फिर मैं टैक्सी में ले जाने लगा, जब तो निकल के भाग रहा था, मतलब जाने के लिए किसी भी तरह तैयार नहीं हो रहा था और कह रहा था कि मेरी गलती हो गई, मुझे जाने दो। मतलब मैंने कहा कि नहीं अब आपको पुलिस, आपने मारा है, गलती किया है, तो आपको पुलिस स्टेशन चलिए, आप जो भी होगा पुलिस स्टेशन में आपके सामने जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम करवाएंगे। तो जब पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं तो एक दस कदम चली हुई टैक्सी, उसके बाद बीट मार्शल दिखा, तो मैंने पूछा कि बीट मार्शल जी देखिए प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा कि इन्होंने ऐसा ऐसा गाली दिए है, मार धमकी दे रहे हैं, मारे हैं। तो बीट मार्शल कहा ठीक है आप इनको मेरे गाड़ी बैठा दीजिए और आप टैक्सी में, हमने कहा नहीं हम टैक्सी में लेके चले, आप चलिए साथ में, बोले नहीं मैं मेरी बाइक पे बैठा रहा हूँ इनको और आप टैक्सी में आ जाए। मैंने कहा ठीक है चलिए, उनके विश्वास में मैंने बैठा दिया उनको बाइक पर, और हम जब टैक्सी में जैसे साथ पहुँचे करीब, वो पहले पहुँचे, एक मिनट के अंतर में हम भी पहुँचे, तो उनको जो है ड्यूटी ऑफिसर ने एकदम जैसे ट्रीटमेंट दिया जैसे वही ऑफिसर, क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि मैं पुलिस वाला हूँ वगैरह जो भी होगा, मुझे पता नहीं क्या होगा उनका बातचीत, लेकिन उनको तो कैजुअली ले लिए, बैठा है आराम से बैठा है, हम लोगों को जैसे हम आरोपी हैं आपको बाहर खड़े रहो आप लोग, पुलिस स्टेशन में गए थे। फिर क्या हुआ उसके बाद? हम लोगों का करीब 15-20 मिनट बाहर खड़े हैं, उनको कैजुअली उनसे कुछ पूछताछ कर रहे थे, उसके बाद हमसे बुलाए, हम लड़कियों को बुलाए, मुझे बुलाए, तो बुलाने के बाद उन्होंने पहले तो डाटा खोले, आप यहाँ नहीं आप बाहर खड़े बाहर खड़े, उस व्यक्ति को तो कुर्सी बैठा के रखे और मुझे, हम लोगों को बोले बाहर डांट रहे हैं कि जैसे हम बहुत बड़ा गुनाह करके आए हैं। तो हमने बताया कि सर ऐसी ऐसी बात हुई है, तो बोले नहीं नहीं आप लोगों चलो तुम ही आत्मदिवसा देखो दुकान आत्मदिवसवा, और इस तरह से हम लोगों को अंदर ले जाकर बैठा है। उसके बाद अब 2 घंटे हम लोग अंदर बैठे हुए हैं, ये व्यक्ति जो है पूरा जैसे ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वही पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खुद है और पुलिस को डायरेक्शन दे रहा है ऐसा ऐसा करना है मेरे ऊपर, या मेरा NC ले लो, इन लोगों को मेरा FIR ले लो, इन लोगों के ऊपर NC कर दो, इन लोगों की NC ले लो, हम लोगों का FIR कर दो, हमारी FIR कर दो। इस तरह से हमें बहुत बैड अनुभव आया कि हमने आरोपी को खुद पुलिस स्टेशन ले गए और उसके बाद सजा हमको मिल रही है, हमने गुनाह कर दिया जो पुलिस स्टेशन में उसको आरोपी के लिए है। हमने कंप्लेन किया है पुलिस कमिश्नर, पुलिस को किया है ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को किया हूँ, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को किया, राष्ट्रीय मानवाधिकार को किया, सब मेरे पास अकनौज में है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है और हम लगातार मानसिक तनाव में हैं, हम ही नहीं हमारी पूरी फैमिली मानसिक तनाव में गुजर रही इस समय। अभी आप क्या चाहते हैं? हमें चाहिए कि हमें न्याय, जिसने भी गलती की उसे सजा मिले।